हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज मैं जा रहा हूँ KTM शोरूम में अपनी बाइक की सर्विस कराने, क्योंकि 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस है। तो वो आज सर्विस करा लेते हैं, क्योंकि आगे मैं लॉन्ग जर्नीज करने वाला, तो उसके पहले मुझे ये सर्विस करानी बहुत ज़रूरी है। कुछ एक दो फीचर्स भी इसमें अनलॉक हो जाएंगे, तो लेट्स सी कि क्या है, एंड इसे भी अपग्रेड करा के लेंगे। ओ माय गॉड भाई साहब, ये तो अभी खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई है, तो अभी निकलना तो मुश्किल है। तो जैसी बारिश रुकती है मैं बाद में निकलूँगा। सो गाइस, अब बारिश रुक चुकी है और मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। तो बारिश आने से पहले मुझे अभी सर्विस सेंटर में पहुँचना होगा, अदरवाइज बीच में कहीं पे भी अपने को रोकना पड़ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आई विल ट्राई टू रीच। बारिश का सीज़न अभी शुरू हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऑन एंड ऑफ बारिश शुरू है। एक बार वो फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा सीज़न, तो फिर टेंशन ही ख़त्म, वो फिर तो कंटिन्यूसली बारिश चलता रहेगा। अभी देखो, ये बारिश जब गिरता है और बाद में रुक जाता है कि इसके बाद ये सब सारा कीचड़ रहता है। अभी कीचड़ फिर हो सकता है ना कि अगर आपके सामने अगर कोई गाड़ी जा रही हो तो आपके ऊपर भी उड़ सकता है, तो इसके लिए धीरे भी चलाना पड़ता है। ओ भाई साहब, ये छोटा सा ऑफ रोड पैच है हमारे बिल्डिंग के बाहर ही, यहाँ पे बस ले लद्दाख की मजे ले लो। सो गाइस, बारिश का ऐसा ही है, थोड़ी आएगी थोड़ी जाएगी, क्योंकि अभी फुल फ्लेज बारिश शुरू नहीं हुई है। तो इससे अच्छा है कि आप प्रिकॉशन लो, थोड़ी देर रुक जाओ कहीं पे, ठीक है। तो पूरा ये रेन जैकेट वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहती है, तो एक बार वो रेन जैकेट पहन ले तो बहुत गर्मी हो जाती है अंदर, ठीक है। तो थोड़ी देर बारिश आएगी, रुक जाओ कहीं पर साइड में और बाद में अपनी जर्नी स्टार्ट कर लो। सो अभी सर्विस सेंटर में जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो सिटी से जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो हाईवे से जाता है। मैंने हाईवे का रास्ता चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है बट ट्रैफिक बहुत ही कम है। अगर मैं सिटी से जाऊँगा तो हर एक गली लुकाड़े पे मेरे को सिटी की ट्रैफिक मिलेगी और जो मुझे नहीं चाहिए, तो इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस चलेगा। और क्या है, अपने को तो बहाना ही चाहिए। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो बहाना ही ढूंढता रहता हूँ मैं कि बाइक चलाने का, ठीक है। तो और जितना ज़्यादा दूर हो सके, जितना ज़्यादा लॉन्ग कट हो सके, मैं वो रास्ता देख लेता हूँ हमेशा। आई एम श्योर आप में से जितने भी बाइकर्स होंगे वो भी यही सोचते होंगे कि जितना मेरा लॉन्ग रूट रहेगा उतना अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ एंजॉइंग द राइड। अगर आपको कहीं पर जल्दी पहुँचना है तो डेफिनेटली आप और मैं सब लोग ही नो शॉर्टकट रास्ता ही ढूंढेंगे, बट टू एंजॉय द राइड इन सच अ प्लेजर क्लाइमेट आप हमेशा यही सोचोगे कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लंबा रास्ता चाहिए। देखो यार, जब मैं सुबह उठा था तब धूप थी, ठीक है, उसके बाद में जब मैं बाइक के पास पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे वापस से एक कड़ी धूप निकली है, बहुत ही क्लियर क्लाइमेट है, क्लियर स्काई एकदम, ठीक है। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता ही रहेगा इसका किस्सा। सो गाइस, यहाँ पे अभी जो दिखा रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब फ्यूल रेंज जो है वो लेस देन 30 किलोमीटर दिखा रहा है। मैं अभी बाइक को पूरा फ्यूल अप नहीं करूँगा, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे जाके थोड़ा सा फ्यूल अप करूँगा, क्योंकि सर्विस होने वाली है। एक बार सर्विस हो जाने के बाद में मैं फुल टैंक कर लूँगा, तो अपना ये जो है लेस देन 30 किलोमीटर वाला जो बार है वो हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना फुल रेंज। तो अभी तक का जो मुझे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है वो है 29.9 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि मेरा बहुत सारा मिक्स राइडिंग है सिटी में और हाईवेज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सिटी में बहुत कंज्यूम होता है फ्यूल, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक मिलती है। हाईवेज पे तो चलो एक 70-80 के स्पीड पे हम लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन अभी जहाँ पे मैं सिटी में हूँ तो सिटी में तो पकड़ लो एक 10-15 मिनट तो ऐसे ट्रैफिक में चले जाते हैं और फर्स्ट गियर पे गाड़ी ले जाते, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। इसके लिए जो अगर ये मिक्स एवरेज है दैट इज़ 29.9 किलोमीटर, मतलब इट्स क्लोज टू ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। अगर मैं कंटिन्यूसली हाईवे पे बाइक चलाऊंगा तो मुझे आराम से 35 प्लस इसका एवरेज मिल जाएगा, बट ये तो अभी कभी मौका मिला ही नहीं है। जब मौका मिलेगा तब डेफिनेटली करूँगा और यहाँ पर पता चल जाएगा अपने को कितना का इकोनॉमी मिल रहा है मुझे। तो अभी यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे फ्यूल एक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल अच्छा मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई मिक्स नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। आगे दो तीन फ्यूल स्टेशन है जहाँ पे मुझे एक रिव्यू मिला था कि यहाँ पे बहुत सारा झोल झपट होता है फ्यूल में, मिक्स मिलता है, तो ये वाले पे फ्यूल पे हम लोग भर लेते हैं थोड़ा सा फ्यूल एंड निकलते हैं। यार, इसमें फ्यूल डालने के बाद भी लेस देन 30 किलोमीटर दिखा रहा है, एक गजब है यार। बट कोई नहीं है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अच्छा खासा फ्यूल डलवाया है तो डेफिनेटली ये 30 किलोमीटर प्लस ही जाएगी। इसको विंडशील्ड को नीचे कर लेते, नहीं तो आपको बहुत सारी आजू बाजू की आवाज़ें भी आएगी।
तो अभी जो सर्विस सेंटर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, एक पकड़ लो 20-25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, तो अपनी बाइक तो आराम से चली जाएगी वहाँ पे। तो एक बार सर्विस सेंटर में पहुँचने के बाद मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूँगा कि क्या क्या ये फर्स्ट सर्विस में कवर होता है, कौन से पार्ट चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे सब बता दूँगा आपको, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा फाइनल इनवॉइस जो फर्स्ट सर्विस का इनवॉइस रहेगा मैं आपको वो भी बताऊँगा कि कितने का खर्चा आता है। ओ भाई साहब यहाँ पे आगे बारिश है लगता है, ठीक है पूरा काला काला दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो अपने को एक ब्रेक लेना पड़ेगा अदरवाइज ये बारिश में हम लोग पूरा भीग जाएंगे। ओह शिट, और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी कुछ भी रेनकोट वगैरह कुछ पहना नहीं है, ना कोई लाइनर है, तो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट रुकना पड़ेगा कहीं पे, तो क्योंकि देखो यहाँ पे अभी फुल कड़कती धूप है, लेकिन वो सामने वाला जो एरिया देख रहे हो ना, सामने वाला जो व्यू देख रहे हो वहाँ पे तगड़ी बारिश हो रही है और हमें वहीं पे जाना है। बारिश शुरू हो गई लेकिन अभी हम लोग जाएंगे ब्रिज के नीचे और ब्रिज के नीचे रुकेंगे, अदरवाइज तो पूरा भीग जाएंगे यहीं पे कहीं पे रुकेंगे। तो थोड़ा सा मैं झुक के चला रहा हूँ ये ट्रक के पीछे ताकि बारिश ना आए, और क्योंकि अपने गोप्रो है ना वो वाटरप्रूफ नहीं है कि ये माइक लगाने के बाद में, अदरवाइज ये गोप्रो के काम भारी हो जाएगा। भाई साहब तगड़ी वाली बारिश शुरू हो गई है, ब्रिज बहुत लंबा दिख रहा है यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चल भाई जल्दी चल। ओ फक, ये देखो भाई तगड़ी वाली बारिश शुरू हो गई अभी बस थोड़ी। तो भाई बारिश रुक गई है और अभी फटाफट निकलते हैं, अदरवाइज क्या होगा फिर से बारिश आएगी, फिर से कहीं पे रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी ऐसी। तो फटाफट भगाते हैं थोड़ी बाइक और सीधा चलते हैं सर्विस सेंटर में। A few moments later. तो भाई इसमें जो अभी पहला ऑयल था वो सेमी सिंथेटिक था, ये वाला सेमी सिंथेटिक ऑयल निकल चुका है, प्लस यहाँ पे चेन क्लीन हो चुकी है, ठीक है तो उसको पहले क्लीन करेंगे बाद में लुब करेंगे। अब इसमें डलेगा मोटोल का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल 1.7 लीटर का मोटोल का फुल सिंथेटिक ऑयल जाएगा अभी इसमें, प्लस अपना नया ऑयल फिल्टर। कभी ऑयल फिल्टर डालो तो ड्राई नहीं डालना रहता है, तो इसको लुब करना ज़रूरी है। हाँ लुब करना, तो लुब करेंगे तो ये सब फेसेस पे वो ड्राई नहीं रहेगा। ओके, तो मतलब इसमें ऑयल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ तो ओरिंग भी नया चेंज हो रहा है। हाँ क्यों, हर सर्विस में चेंज होता है। ओके, जैसा हीटनेस ज़्यादा ना गाड़ी में तो इश्यूज आते हैं लीकेज के, ठीक है और ओरिंग चेंज करना पड़ता है। बाइक की सर्विसिंग पूरी हो चुकी है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस किया है या फिर क्या कुछ डाला हुआ है क्या कुछ चेक किया है आपको बता दें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्रेक पैड्स वगैरह है, ठीक है ये ब्रेक पैड्स निकाल के क्लीन किए हैं, देन यहाँ पे जितनी भी सारी मर्ड्स थी तो ये मर्ड जो अटकी थी एक्यूमलेट हुआ था डस्ट, वो उसको निकाल दिया। थर्डली यहाँ पे किया अपना इंजन ऑयल चेंज, ठीक है तो इंजन ऑयल को पूरा निकाल के अभी नया फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डाल दिया है मोटोल की तरफ से, और अपना ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ। इसमें एक स्ट्रेनर भी आता है, वो जो स्ट्रेनर निकाल के यहाँ से स्ट्रेनर भी क्लीन किया, प्लस ये सब ऑयलिंग हुआ है, चेन क्लीन चेन लूप हो गया, ये हमारा हमने जो कूलेंट है उसको भी टॉप अप कर दिया, एयर फिल्टर को क्लीन कर दिया है, एंड
बैटरी वोल्टेज भी चेक कर लिया कि बैटरी वोल्टेज बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे ABS की जितने भी सेंसर्स वगैरह है सबको निकाल के क्लीन कर दिया है। इतना ये सब फर्स्ट सर्विसिंग में होता है कवर। देखिए जो KTM का माई राइड ऐप है वो भी पता चल गया कि ऐसा करना है, उसको परचेस करना पड़ेगा एंड देन हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो और कुछ चेंजेस किया हमने इसमें, कुछ डाला हुआ है, कुछ चेक किया हुआ है और फर्स्ट सर्विस में क्या क्या कवर होता है? जो बैटरी वोल्टेज वगैरह है वो चेक किया, गाड़ी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक किया, कूलर टॉपअप हुआ है ठीक है, और चेन क्लीन वगैरह हुआ, चेन सेटिंग हुआ है और ब्रेक पैड वगैरह क्लीन किया गया। पीछे का ब्रेक पैड भी चेक किया ना हम लोगों ने। ब्रेक पैड नॉर्मली खत्म नहीं होता है ठीक है, लगभग 3-3.5 हज़ार के आसपास में वो कम हो गया ठीक है। तो दिख आप जैसे ब्रेकिंग करें उस पर डिपेंड करता है, नॉर्मली ब्रेक पैड आपको बोल नहीं रहता कि कैसे जाएगा ठीक है। तो गाइस मैंने पूछा था इनको कि ये अपना जो सस्पेंशन है रेयर वाला उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो बोले कि एडजस्ट कर सकते हैं बट ना करें तो ये अच्छा है क्योंकि इसका जो चेसी और इसका जो डायमेंशन है उसके हिसाब से सस्पेंशन बराबर थर्ड सेटिंग पे है। उसमें 10 लेवल्स आते हैं, इसमें जहाँ पे थर्ड इज़ दी सॉफ्टेस्ट मतलब मीडियम है, अगर आपको उसको एक और दो पे करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और इसका जो अभी कूलेंट है कूलेंट भी अभी टॉप अप कर दिया, तो अभी ये जो दो रेडिएटर फैंस है वो इसमें बराबर से कूलेंट, ये जो कूलेंट का जो पाइप दिख रहा है आपको यहाँ से तो कूलेंट के पाइप में भी कूलेंट बराबर से पहुँच जाएगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, मतलब ये इतना ही था सर्विस में। अब इसका कॉस्ट कितना आया मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। तो अभी इसका इनवॉइस आ गया है और इनवॉइस का वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ जस्ट 1900 ठीक है, 1900 का ये जो स्पेयर पार्ट्स है उसका कॉस्ट है और बाकी का जो है ये कॉस्ट दिया है, ये चेन एडजस्टमेंट है, तो इट इज़ 162। इट्स ऑल अराउंड मतलब पकड़ लो 2000 के आसपास में इसका कॉस्ट जाता है फर्स्ट सर्विसिंग का। अगर आप कहीं पर भी सर्विस कर रहे हो तो ये चेक करा लेना कि ये जो आप लिखा हुआ है जितने पर्टिकुलर लिखे हुए हैं वो सब हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है। सो गाइस अपनी बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है 1128 किलोमीटर्स पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस कहाँ पे दिखाता है चेक कर लेते हैं कि अपनी नेक्स्ट सर्विस जो होने वाली है वो होने वाली है 5000 किलोमीटर पे ठीक है। तो ये वाला हम लोग को रिमाइंडर आएगा जब हम लोग यू नो अबाउट टू 5000 किलोमीटर होंगे, यहाँ पे अपने को दिखेगा जो भी है। तो अभी यहाँ से चलते हैं। सो गाइस सर्विसिंग के बाद में थोड़ा बहुत तो फ़र्क मुझे फील हो रहा है यहाँ पे ठीक है। गाड़ी की जो फायरिंग है वो भी चेंज हो गई और बहुत स्मूथ शिफ्ट हो रहा है एंड थर्डली जो इसका अभी जो पिकअप है वो भी अच्छा खासा मुझे फील हो रहा है ठीक है। अभी ये सिटी में हूँ मैं ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं हाईवे पे टच हो जाऊँगा। भाई हाईवे पे चलते हैं और हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस देख लेते कुछ अगर चेंजेस फील हो रहा है तो। ओ भाई साहब अभी इसका जो फ्यूल रेंज है वो लेस देन 10 किलोमीटर्स दिखा रहा है। पेट्रोल पंप जो है यहाँ से थोड़ी दूर पे है, मतलब 1-2 किलोमीटर पे रहेगा। प्रे करता हूँ कि गाड़ी बीच में बंद ना पड़े। सो गाड़ी को हमने फुल टैंक कर दिया है, अब हो गई अपनी फुल टैंक। अब यहाँ पे रेंज दिखा रहा है 440 किलोमीटर्स ठीक है। तो अभी गाड़ी का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि आफ्टर सर्विस क्या फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है ठीक है। तो अभी फायरिंग तो स्मूथ हो गई है, इंजन का जो भी साउंड आ रहा था वो भी निकल चुका है और मेन मतलब जो चेन में से जो आवाज़ आ रहा था, चेन लूज़ हो गई थी तो वो भी अभी आवाज़ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो अभी अपनी गाड़ी तो फुल ओपन हो गई है, तो अभी हम लोग इसको भगा सकते हैं टॉप स्पीड पे, अभी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 1000 किलोमीटर हम लोग लिमिटेड चला रहे थे बहुत 80-90 के स्पीड पे, अभी तो हम लोग इसको फुल थ्रॉटल दे सकते हैं, इसका फुल पोटेंशियल अभी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको भगा के दिखाता हूँ बाइक को। तो भाई इतना तो मुझे भगाने को नहीं मिला क्योंकि मैं अभी राइडिंग गियर्स में नहीं हूँ, तो मैंने ज़्यादा भगाया नहीं, बट 110-120 तक मैंने भगाया था और अच्छा खासा है, मतलब बहुत अच्छा पिकअप है, स्मूथनेस तो बहुत ज़बरदस्त मेरे को भी फील हो रही है। तो इसके लिए अभी जब मैं आगे राइड्स करूँगा तो मुझे इसका और ज़्यादा फीडबैक मिलेगा।
तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। तो अभी ये जो आपको मैंने वीडियो बताया था फर्स्ट सर्विस का, अगर आपको ये किसी भी रीज़न से पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर।